हाय दोस्तों, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं आरएम टेलीकॉम शॉप। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे सैमसंग गैलेक्सी एस्टर प्रो GTS 7262 का असेंबल और डी असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास है सैमसंग का मोबाइल, तो इसको मैं असेंबलिंग करूँगा। ठीक है, असेंबलिंग डी असेंबल में आपको दिखाऊँगा कैसे इसको खोलना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है पहले जो है आपको इसका देखिए, पहले आप इसको बंद कर दीजिए। देखिए बंद हो गया, उसके बाद इसका मैं इधर से खोल देता हूँ, इसका बैटरी भी निकाल लीजिए, मेमोरी कार्ड इसको निकाल लीजिए, सिम कार्ड भी इसको निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो नाट है निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाट वगैरह सब कुछ निकाल लीजिए, यहाँ से खोल लीजिए। देखिए नाट के साथ पूरा ये चला आया। ठीक है, तो इसको भी खोल लीजिए आप। खोल लीजिए, उसके बाद आपको जो है यहाँ से आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे से कीजिएगा क्योंकि जल्दी का काम जानते हैं सावधान का काम होता है। ठीक है, तो इसके पहले ये वाला निकाल लीजिए, यहाँ से खोल लीजिए इसको। ठीक है, ये डिस्प्ले का है, इसको खोल लीजिए, उसके बाद आप इसको खोल लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसमें थोड़ा गम लगा रहता है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा हल्का सा हील भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो है गम लगा रहता है, तो ऐसे टूट खोलिएगा तो हो सकता है टूट जाए। ठीक है, डिस्प्ले क्रैक हो जाए तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसको हल्का सा हीट दे दीजिएगा। ठीक है, इसके चारों तरफ हल्का सा हीट दे दीजिए। इसको धीरे धीरे से ओपन कीजिए चारों तरफ से। धीरे से करना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी करोगे तो कुछ भी हो सकता है। ये निकल गया है। ठीक है, उसके बाद आप इस पीसीबी को निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसे पीछे से हम प्रेस कीजिए। ठीक है, देखिए निकल गया है। ओके, उसके बाद आप देखिए इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी इसको बोर्ड भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक नाट है स्क्रू, इसको खोल लीजिए। आराम से खोल लीजिए, धीरे देखिए पूरा है, खुल गया है। ये आपका पीसीबी हो गया। ठीक है, ये पीसीबी हो गया, ये आपका एलसीडी डिस्प्ले इसमें दोनों दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एलसीडी है, ये वाला एलसीडी का पीडीए का जाया गया। ठीक है, ये एलसीडी का है, यहाँ पे देख सकते हैं माइक लगा हुआ है, ईयरफोन लगा हुआ है। ठीक है, स्पीकर,
और इसका जो माइक है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका माइक माइक यहाँ दिया हुआ है, ये यूनिवर्सल माइक है, ठीक है, यूनिवर्सल माइक है, चार्जिंग कनेक्टर वगैरह, ठीक है, सब कुछ। और देखिए इस पर भी आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें वाइब्रेटर लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसको आप निकालना चाहते हैं तो इसके पीछे सब ये निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें इसके पीछे गम लगा हुआ है, तो इसे फिलहाल मैं निकाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसमें स्पीकर लगा हुआ है, तो आपको अगर स्पीकर चेंज करना है या कुछ भी करना है तो आप इसको स्पीकर को भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो मैं फिलहाल निकाल नहीं रहा हूँ। और यहाँ देखिए जैसे दो बटन दिया गया है, ठीक है, इसको भी आप खोल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो फिलहाल मैं नहीं खोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए इसको। और ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम का स्विच दिया हुआ है दोनों, ठीक है, ये भी इसको भी आप खोल सकते हैं अगर चाहते हैं तो, देखना चाहते हैं तो खोल के, इसको भी खोल सकते हैं। देखिए निकल गया, ठीक है, फिर से मैं लगा देता हूँ उसको, आपको फिर से जैसे खोले हैं आप सिंपली वैसे लगा दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा, सिंपल सा है, जैसे आप जैसे जैसे खोले हैं सिर्फ उसे ही आपको लगाना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं ये लगा देता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे लॉक रहता है, ऐसे लॉक है, ठीक है, तो उसको सही से लगा देना तो पूरा सेट हो जाएगा। और इसका जो नट था लगा दीजिए, इसका नट भी यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये लगा दीजिए इसका जो डिस्प्ले था, और आपको यहाँ पे थोड़ा गम लगा दीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। इसको साफ कर लेते हैं कि इसको पहले से जो गम लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद चारों इसके चारों तरफ गम लगा दीजिए, ठीक है, उसके उसके जो डिस्प्ले हैं इसको आप लगा दी, ये अटैच है, ठीक है, इसको आप निकाल चलना चाहते हैं डिस्प्ले और एलसीडी को, तो आपको टच सेपरेटर की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, फिलहाल ये अटैच है, मैं ऐसे सिंपली लगा देता हूँ, एकदम ध्यान से लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जाके इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए सही से लगा हुआ कि नहीं, ऑन हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए आप, देखिए फिर से ऑन हो गया। फिर से ऑन हो गया यार, ठीक है,
तक चालू हो जाता है। देखिए चालू हो गया, जैसा था सब कुछ चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रू बाहर से लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं ना इसका सिम में लगा के ऑन करके रख देता हूँ मोबाइल को। मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया, ठीक है। सब पीछे का कवर में लगा देता हूँ, मोबाइल जैसा था फिर से ऐसा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखते रहिए मेरा इस तरह वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको इस तरह का मैं कुछ भी वीडियो डालूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है।